आज है संडे, साथ ही में है जनता कर्फ्यू, जो मोदी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बिकॉज कोरोना वायरस जो भी सरफेस पे रहता है वहाँ 12 घंटे रहेगा, एंड 14 घंटे के कर्फ्यू होने के कारण कोई भी बाहर नहीं गया, इस वजह से जहाँ का वायरस था वहीं पर डेड हो जाएगा एंड उसे नई बॉडी नहीं मिलेगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड हम सब ने बहुत अच्छे से फॉलो किया। बट मैंने सोचा संडे है तो कुछ अच्छा फूड बना जाए, एंड यूजुअली मैं अपने लिए कुक कर ही लेता हूँ, बट सारी चीज़ें हेल्दी होती है एंड मैंने सोचा आज कुछ टेस्टी चीजें बनाई जाए, इसलिए मैं आ गया मेरे सिस्टर के पास। कहाँ है तनु, कहाँ है तू? तो तनु बनाने वाली आज पनीर टिक्का, अच्छा वाला। तनु टेस्टी वाला बनाएगी कि नहीं? हाँ, अच्छा ही बनाती है वैसे तनु, और इसको भी आप लोग फॉलो कर लेना बिकॉज इसका केक्स का काम है, केक्स बनाती है बहुत अच्छे अच्छे। क्या तेरा वो बता, इंस्टाग्राम हैंडल बता। सिनफुल बेकर, चलो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिनफुल बेकर है। साथ में हम लोग बनाएंगे टॉर्टिला, जिसके अंदर हम लोग रैप बना के खाएंगे, अंदर स्टफिंग करेंगे पनीर टिक्का। आज मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सबको जिससे ही कराने वाला हूँ। ए कायो, कहाँ है तू? कायो, तुमको अच्छा लगता है क्या पनीर टिक्का खाना? हाँ। अच्छा लगता है क्या? पहले खाई हो तुमने पनीर टिक्का? ठीक है, तो फिर बनाते हैं। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो शूट करूंगा, तनु से सारा काम कराऊंगा। चल तनु, क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए जल्दी से बता। टिक्का बनाने के लिए हम लोग ने लिया 200 ग्राम के आसपास पनीर, साथ ही में लिया हुआ है 100 ml हंकड़। तो हंकड़ कैसे बनाना ये इंग्रेडिएंट बताने के बाद आपको स्मॉल सा ट्यूटोरियल दे दूंगा मैं, बिकॉज आपको बस अपने कर्ट को लेना है एंड उसको एक मसलिन क्लॉथ में हैंग करके रखना है नियर अबाउट 2-3 घंटे के लिए, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। एंड साथ ही में लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर चाहिए, जीरा एंड धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, चाट मसाला और गरम मसाला। तो तनु इसको मिक्स करके आपको बताएगी कैसे। तनु अभी इसको पीस पीस में काट रही है ताकि प्रॉपर तरीके से पनीर टिक्का बन जाए। तनु हाथ धोई है कि नहीं, सैनिटाइज किया कि नहीं हाथ को? मैंने हैंड वॉश किया 20 सेकंड तक। अच्छा अच्छा, किया ना 20 सेकंड प्रॉपर तरीके से? यार कोरोना वरोना नहीं चाहिए, समझिए। अच्छे से धो। टिक्का का सही लुक आने के लिए थोड़े से टमाटो एंड शिमला मिर्च भी चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से टिक्का दिखेगा। तो तनु ने अच्छा दिमाग लगाया लास्ट में कि ये भी हमें डालना चाहिए। लेकिन तनु टॉर्टिला अच्छे से बनाएगी कि नहीं तू? आता है नहीं तेरे को बनाना? बिल्कुल। सबसे पहले हमें ले लेना पनीर और उसमें ऐड करना है शिमला मिर्च और टमाटो, और साथ ही में ऐड करना है हंकड़। तनु ऐड कर दे हंकड़। ये 100 ml के आसपास हंकड़ चला गया। अब साथ में ऐड करेंगे हम लोग जीरा पाउडर और साथ में धनिया पाउडर। अब साथ में ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। अच्छा टेस्ट आएगा ना तनु? चाट मसाला साथ में गरम मसाला। अब है कसूरी मेथी और नमक की बारी, तो तनु ये भी ऐड कर दे और इसको अच्छे से हाथ से इसको मिक्स करना पड़ेगा एंड इसको मैरिनेशन के लिए नियर अबाउट 2 घंटे के लिए आपको रखना है। तनु एक काम कर, हाथ से अच्छे से मिला दे, हाथ धो के आइए ना तू वैसे भी। अच्छे से इसको मिला दे और इसको नियर अबाउट 2 घंटे के आसपास आप फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा, बिकॉज गर्मी का मौसम है इस वजह से। और उसके बाद कैसे इसको बेक करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तुमको क्या क्या खाना बनाना आता है? मुझे चाय बनाना आता है, रोटी बनाना आता है और बस। चाय रोटी बनाना आता है, सब्जी? चाय रोटी सब्जी और पराठा भी। पराठा भी? तो ये किसके लिए? हम लोग के लिए तो कभी बनाते नहीं, गुड्डा गुड्डिया के लिए बनाते हो क्या? नहीं, मैं जब रियल वाला आता है क्या? रियल वाला? हाँ आता है, पर मैं जब बड़ी होंगी तब बनाऊंगी। अच्छा बड़ी हो जाओ, कितनी बड़ी होने के बाद? अभी कितने इयर्स की हो तुम? मैं 6 इयर्स की हूँ। अच्छा 6 इयर्स की हो, तो कितने बड़ी होने के बाद हम लोग को बना के खिलाओगी तुम? जब मैं 11 इयर्स की होंगी। अच्छा मतलब 6 इयर्स, मतलब अभी 5 इयर्स और वेट करना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा ठीक है, और सबको एक बार बोल दो कि तुमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय आईडी इज दी काया। तो गाइस काया को जरूर आप लोग फॉलो कर लेना, बिकॉज इसके पोस्ट भी अच्छे अच्छे रहते हैं। काया टिकटॉक कब बनाओगी तुम? जब मैं 10 इयर्स ओल्ड की नहीं हो जाऊंगी। क्या अभी भी बना सकती हो तुम? अच्छा टिकटॉक बना? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है क्या? तो अभी क्या कर रही हो तुम, कौन सा गेम खेल रही हो? अब मैं जैक एंड ड्रो खेल रही हूँ। अच्छा जैक एंड ड्रो, ये कौन सा गेम है? जिसमें मम्मी रहती है बिल्लियों की, उसकी एक लड़की रहती है, लड़का रहता है, उसका पिताजी रहता है। अच्छा तुमको सबसे फेवरेट कार्टून कौन, कैरेक्टर कौन सा है तुम्हारा? हेलो किटी एंड पीपा पिग। अच्छा पीपा पिग? पीपा क्या, मुझे पता नहीं क्या नाम है।
हेलो किटी एंड पेपा पिग एंड शिनचैन। और सुपर हीरो कौन सा फेवरेट है? स्पाइडरमैन। अच्छा स्पाइडरमैन। हाँ। स्पाइडरमैन और फीमेल में नहीं, कोई नहीं पसंद है क्या सुपर हीरो? नो। अच्छा ठीक है। अपन ने जा रहा टॉर्टिला का डो, तो तनु क्या क्या मेजरमेंट्स है थोड़ा सा बता दे। 240 ग्राम्स मैदा, 240 ग्राम्स आटा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल एंड 1 कप 240 ml ल्यूक वार्म वाटर। इसको हम मिक्स करेंगे। तो उसको मिक्स करने के बाद कितने देर रखना है फिर उसको? उसको हम थोड़े देर, आधा घंटा रखेंगे। फूलेगा क्या फिर वो? नहीं, थोड़ा भी, थोड़ा सा उसमें राइस दिखेगा। अच्छा अच्छा सुन ना, थोड़े जिन लोगों को भी घर पे ब्रेड बनाना है तो तू इन फ्यूचर कभी एक वीडियो में बता देना ना घर पे ब्रेड कैसे बनाना मल्टीग्रेन वाला। बनता है क्या अच्छे से मल्टीग्रेन ब्रेड? बिल्कुल। अच्छा बनता है ना? सॉल्ट मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, बेकिंग पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ साथ में। कितना ऑयल है? एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच। तुम्हें हमेशा ऑलिव ऑयल ही खाती है क्या? बिल्कुल। तेरा देख के लगता तो नहीं है। नहीं लगने से क्या कर सकते हैं? खाते पीते घर की है या भाई? फिटनेस मेंटेन करने के लिए सबको बोल रहा है और इसकी बहन ही। अच्छा गेनिंग चल रहा है ना तेरा पिछले बार बताया? बिल्कुल भी नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे ल्यूक वार्म वाटर। वैसे आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, तनु आजकल थोड़ी सी आलसी हो गई है। आज मेरे इंस्टा लाइव का डे था तो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज बहुत सारे लोग लाइव आए जिनकी क्वेरीज मैं सॉल्व कर रहा था एंड अभी तक 2 घंटे हो चुके हैं एंड अभी जाके पनीर टिक्का बनाएंगे, साथ में टॉर्टिला भी बनाएंगे एंड रैप बना के खाएंगे। तो चलते हैं जल्दी से और पनीर टिक्का बनाते हैं। आई मीन टू से तनु को मैं बोलता हूँ कि बनाने के लिए। तनु ने बोला है कि आज सिगड़ी में करके हम लोग पनीर टिक्का बनाएंगे बिकॉज ओवन में नहीं बनाना, प्रॉपर वुडी वाला फ्लेवर चाहिए। तो फूफा जी इसमें मेहनत कर रहे हैं, आग लगा के दे रहे हैं। देखो जो डो बना हुआ था उससे आपको रोटी टाइप कैसे बनाना है ऐसे टॉर्टिला, एंड इसके बाद हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का और फिर इसको स्टफ करके मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पनीर टिक्का बेक होने के लिए तैयार है। अच्छे से बनाया हो और थोड़ा सा अनियन भी कहाँ से लाए, कहाँ से लाए, घर में तो अलाउ नहीं अनियन। हमारा देसी सिगड़ी तैयार हो गया एंड उसके ऊपर धीरे धीरे ये फूफा जी डाल रहे हैं जो पनीर टिक्का बना हुआ है एंड काय यहाँ पर टॉर्च लगा रही है। काय तुमको खाना है कि नहीं? नीचू क्या नो? ऐसा कुछ सिगड़ी में पनीर टिक्का लग चुका है हमारा। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे एंड दोनों साइड प्रॉपर तरीके से हम लोग सेकेंगे तभी तो अमेजिंग सा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रहे हैं अच्छे से ताकि सही तरीके से कुक हो जाए एंड मुझे देख के खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तो टेस्ट अच्छा ही होने वाला है। तनु टेस्ट किया था कि नहीं नमक वमक? हाँ अच्छा बनना चाहिए बेटा, इतनी मेहनत कर रही है तू तो। बारबेक्यू बन चुका है एंड ऐसे तरीके से बन चुका है, अभी ये टॉर्टिला के अंदर जाएगा। थोड़ा थोड़ा जल गया है तो फूफा जी उसको साफ कर रहे, क्लीन कर रहे वो एरिया। तनु प्रॉपर तरीके से शिमला मिर्च एंड टमाटो को फिर से चॉप कर रही है ताकि उसको अच्छे से सजा पाए हम लोग टॉर्टिला के अंदर। अच्छा टेस्ट बनाएगी नहीं तनु? हमारे सारे इंग्रेडिएंट बन चुके, ये रहा टॉर्टिला, ये रहा पनीर टिक्का, साथ में तनु ने थोड़ा सा प्याज अरेंज कर लिया, घर पर अलाउ नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा पेरी पेरी वाला सॉस डालेंगे। तनु अच्छे से लगा, थोड़ा सा ज़्यादा मत लगा, बस 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 बस, ज़्यादा कैलरीज मत बढ़ा। वैसे भी ये लो कैलरी वाला सॉस मैंने ढूंढ के लाया हुआ था, अच्छे से इसको स्प्रेड करना है एंड इसमें ऐड करना है पनीर, कैप्सिकम एंड टमाटो। पनीर डाल दे थोड़ा सा, ज़्यादा डालना मेरे लिए प्रोटीन थोड़ा सोर्स अच्छे से, बस बस बाकी लोग नहीं तो खा नहीं पाएंगे। अब थोड़ा सा प्याज अनियन एंड कैप्सिकम, वाओ एकदम लग रहा है दुकान का रोल है। अब थोड़ा सा प्याज डाल दे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दे, ज़्यादा मत डाल। थोड़ा सा चीज़ भी इसके ऊपर कर देते हम लोग स्प्रेड तो अच्छे से। मुझे चीज़ बहुत पसंद है, कीटो के टाइम पे सिर्फ चीज़ पे ही ज़िंदा रहता हूँ मैं, फैट मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अब इसको रैप बनाना है, बस बस तनु इतना ही रहने दे। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा रोल कर देते हम लोग, जैसे
प्रॉपर तरीके से टॉटिला को रोल करते हैं, रैप बना लेते हैं एकदम, और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एंड थोड़ा सा एक हम लोग को फिर से बेक करना, बिकॉज मुझे मेल्टेड चीज़ बहुत पसंद है। तो इसको नियर अबाउट 1 मिनट के लिए हम लोग माइक्रोवेव करेंगे, जिससे चीज़ सारा मेल्ट हो जाए और बहुत अमेजिंग। 1 मिनट के लिए हम लोग माइक्रोवेव कर रहे हैं ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, एंड बहुत मज़ा आएगा फिर खाने में। तो गाइस फाइनली टॉर्टिला बारबेक्यू बन चुका है, और अगर आप भी फैमिली के साथ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा घर में इंजॉय करिए, बिकॉज सब मिलके खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो काया भी मेरे साथ खाने वाली है, तो काया एक बार सॉस लगाएंगे और खा के बताएंगे कैसा बना। तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कैसा लगा? यम्मी, टेस्टी लगा। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस। अब मैंने ऐसे फोटो इसलिए खिंचा रहा हूँ, बिकॉज जब मेरा फोटो प्रिंट हुआ था